फर्स्ट ईयर में तो ऐसा हुआ था कि नहीं था, मतलब ऑब्वियसली मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, तो फर्स्ट ईयर में मैंने अपनी फीस खुद पे नहीं करी थी। सेकेंड ईयर से मैंने अपनी फीस खुद पे करी थी, बट जो फर्स्ट ईयर की मम्मी पापा ने करी थी वो उनको मैंने विद इंटरेस्ट 12% के हिसाब से वापस करी थी। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज हम एक पॉडकास्ट करने वाले हैं मेरे दोस्त यश के साथ। तो यार, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पे योर ओन कॉलेज फीस वाला फंडा आता है ना, यार अपन कॉलेज में हैं तो इतने लेवल पे आ जाना है कि हम खुद की फीस खुद पे कर पाए। तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि सुमेर भाई इस पे एक वीडियो बनाओ। मैं बोला यार मैं खुद बनाऊँ, इससे अच्छा उस इंसान से पूछते ना जो खुद ये चीज़ कर रहा है प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं पास आउट हो चुका हूँ। जो बंदा अभी इंजीनियरिंग में है, अगर वो खुद की फीस पे कर पा रहा है तो वो बंदा अगर अपनी जर्नी बताएगा तो बहुत हेल्पफुल होगी। वैसे आपने यश के वीडियो पहले भी देखे होंगे, क्योंकि भाई कंसल्टेंसी, कौन सी कॉलेज लेना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, इन सब पे वीडियोस यश ने बनाए हुए हैं और बहुत क्वालिटी वीडियोस है। सो मैं एक बेसिक सा यश का इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। यश इज़ अ यूट्यूबर, कॉन्टेंट क्रिएटर। फ्रॉम विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर भाई ने 1 लाख सब्सक्राइबर गेन कर दिए। वो कंटेंट बनाता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से सिलेक्ट करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और सेल्फ हेल्प जाके आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करे। साथ में वो कंसल्टेंसी भी देता है और साथ में बहुत कुछ करता है बंदा। अभी इंजीनियरिंग कर रहा है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, राइट? आपने भैया बहुत ज्यादा चढ़ा दिया है वैसे यानी है मतलब वेरी अर्ली ऑन इन माय जर्नी, बट हाँ काफी बढ़िया। ओके। सो यश, अभी तो कौन से ईयर में मैं थर्ड ईयर में हूँ अभी, अब और स्ट्रीम कौन सा है तुम्हारा? मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ भैया यहाँ पे, DTU में। तो ओके, केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड। तो यार यश, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मतलब इनकम की भी, और अगर अपन एक मोटा मोटा देखे तो एक पर्टिकुलर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस कितनी होती है साल की? डिपेंड करता है, अब अगेन मैं तो बिल्कुल वही काउंसलिंग वाले फेज में चला जाऊं, तो ऐसे कॉलेजेस भी हैं हमारी कंट्री में जो 20-25 लाख ले रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें हम, IITs वगैरह की, मेरा कॉलेज है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो मोटा मोटा 8 से 10 लाख रुपए मान के चल सकते हैं 4 साल की विदाउट हॉस्टल, हॉस्टल के हाँ, साथ 13-14 लाख। हमारे यहाँ पे भी जो टायर 3 कॉलेजेस हैं उनकी फीस 80,000 से 1 लाख रुपया होती है, समझ रहे क्या? पर अगर आप उन 1.5 लाख रुपया तो मानते, क्योंकि कुछ कॉलेजेस की 1.5 लाख भी है, तो मोटा मोटा समझो साल का 2 लाख रुपया होता है, तो 8 लाख रुपये उनकी फीस होती है। तो अगर उनको 4 साल में 8 लाख कमाना है, तो अगर वो लोग 20,000 रुपया मंथली इनकम करना जनरेट कर लें तो शायद से वो लोग 2,40,000 इतना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तेरे को क्या लगता है? तो इतना हाँ अपना बिल्कुल गोल सही है। बात है, मतलब मैं तो यही बोलूंगा, हाँ बोला बोलो। कि गोल तो ये वाला मैं तो यही बोलूंगा, काफी छोटा ही बोलूंगा इस गोल को, गोल तो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। मतलब पेइंग योर कॉलेज फी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस, इट शुड नॉट बी द होल ऑफ योर एक्सपेंस। मतलब आपने ये किया ना कि 2 लाख बटा 12 कर दिया आपने, और फिर कर दिया कि इतना महीने का कर लोगे तो फिर तुम्हारी कॉलेज की फीस भरी जाएगी। मैं कहता हूँ इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस, अगर तुमने जो कमाया वो सारा कॉलेज की फीस भर दी तो कुछ मोटिवेशन मतलब इतनी ज्यादा रहेगी नहीं, मतलब जब तक नया माइक नहीं लेंगे या नया कैमरा नहीं लेंगे तो वाह। पर एक्चुअली क्या होता है यश, पता है, लोग ना ये 20,000 रुपये महीना का भी सोच के डर जाते हैं। अगर तू एक बार ऐसा सोचे, अगर समझना, आज यश को अभी वो कैपेबिलिटी दिख रही है, वो पोटेंशियल दिख रही है, पर अपन आ जाते हैं एकदम शुरुआत वाले यश पे रे, जहाँ पे मतलब कि तूने शुरू कब किया था ये चीज़, और हाउ यू केम टू दैट लेवल कि आज अपन यार थोड़ा इतना इतना कर लेते हैं, तो वो कहाँ से शुरू हुआ था? ढंग से भैया YouTube शुरू किया था अप्रैल में, लॉकडाउन लगने के 1 महीने बाद अप्रैल में मैंने डाली थी पहले कॉलेज रिव्यू की वीडियो। ओके। तो जब तक मैं कॉलेज में फिजिकली जा रहा था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था YouTube वगैरह का, तो घर पे बैठे थे खाली और सोचा था कि यार ऐसे तो मतलब मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बोला कि यार तू तो भुट हो जाएगा ऐसे घर पे बैठे बैठे, अगर ऑनलाइन कॉलेज करता रहा सारा जो तेरा वो फिजिकल एस्पेक्ट है वही चला गया तो कुछ करते हैं। तो तब अप्रैल में जाके शुरू किया था, और काफी बढ़िया मतलब जर्नी रही है। कॉलेज रिव्यूज वगैरह से शुरू किया था, फिर JEE वाले कंटेंट पे आए, अब CBSE वाले कंटेंट, कॉलेज वाला कंटेंट, काफी कुछ हम कवर कर रहे हैं। तो ओके। और मेरे पास तो स्टोरी भी है एक्चुअली, जब मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अपने एग्जाम्स वगैरह दिए थे, तो जैसे मैं पढ़ाई वढ़ाई करता था और बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पढ़ता था मैं, तो मैंने सही में मतलब बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूँ,
मैंने आपके चैनल से पढ़ा था, मैंने आपकी भी वीडियोस देखी है और लोग जो भी बनाते थे वीडियोस मैंने काफी सारी देखी है। और अभी मैं कल बैठा हुआ स्क्रिप्ट ही लिख रहा था, तो उसमें मैं वही बच्चों को चैनल्स बता रहा था कि कहाँ कहाँ से तुम कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हो, तो वहां भी मैंने डाला था। जो मतलब ये नाम है ना, ये अपने आप में ही बहुत कैची है, लास्ट मोमेंट ट्यूशन, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब अगर आपका नहीं होता तो मैं रख लेता इसमें जुड़ा के, बहुत बढ़िया नाम है भाई। मेरे टाइम भी ऐसा ना, मेरे को यार कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं यार अपने लोगों के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम फेस किया रे। तो अपन आ जाते, तूने 2019 में जैसे मार्च में लॉकडाउन लगा, अप्रैल में तूने यूट्यूब शुरू किया, तो तेरा 2020 में, अच्छा हाँ 20 में तूने यूट्यूब शुरू किया, तो तेरा माइंडसेट क्या था कि पैसे कमाऊंगा इससे, कि क्या चल रहा था तभी? भैया ऑनेस्टली बताऊं तो वो वाली चीज मेरे को पता नहीं थी, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बताऊं तो आपको, कि मतलब इफ देयर इज एनी रेवेन्यू दैट कैन बी जनरेटेड। मेरी एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस था जो मैं शेयर करता हूँ सबके साथ। जब मैंने कॉलेज रिव्यूज बनाए थे ना, उसका मेजर रीजन ये था कि जब मैं खुद अपने कॉलेज एडमिशन वाली साइकिल में था, तो फिर मैंने रैंडमली बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में फीस अपनी भर दी थी। मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि मैं 5 कॉलेजेस में एक साथ एनरोल्ड था, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी पैरानॉइड थी कि हमारे बच्चे का कहीं होगा एडमिशन या नहीं होगा, तो हर जगह जाके एडमिशन करवाए आते थे कि एडमिशन तो करवाओ, उसके बाद सोचेंगे कि फाइनली कहाँ जाना है। तो उस वाले जो पूरा प्रोसेस है ना, और फाइनली आई एंडेड अप हियर एट DTU, तो जो वो बाकी सारा मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। मतलब हम ढूंढते रहते थे इंटरनेट पे कि कहाँ से मिलेगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो वो था नहीं। तो मेरे को ये वाली चीज बहुत चुभती थी कि यार मेरे 3-4 लाख रुपए मतलब उसमें बिल्कुल डूब गए थे, जहाँ कॉलेज के एडमिशन टेस्ट दिए, फिर सीट ले ली, फिर सीट छोड़ दी, सारे प्रोसेस में। तो मेरे को ये चीज पापा ने बोली थी बहुत अर्ली ऑन यूट्यूब शुरू करने से पहले भी, कि बेटा यूट्यूब से हमारे घर की रोटी कभी नहीं चलेगी, बट अगर इसके थ्रू तू किसी के घर की रोटी बचा सकता है तो ले ले वो वाली कॉल। क्योंकि हमने शायद वो वाला लॉस सहन कर लिया, बट एक रैंडम स्टूडेंट शायद उस वाले लॉस को सहन नहीं कर पाता। तो वो वाली गाइडेंस अगर तू दे के किसी के घर की रोटी बचा सकता है, तो टेक दैट लीप ऑफ फेथ। तो ये थिंकिंग थी एक्चुअली, दैट्स अमेजिंग। मतलब मेनली कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो लोग ना करें, वो इनिशिएटिव से शुरू किया। सो व्हेन द फर्स्ट इनकम स्टार्टेड टू कम, लाइक कितना टाइम हुआ के, और कितने वीडियोस बना लिया था तूने? मैंने मेरे को ये वाली चीज किसी ने बोली थी कि जब तक 100 वीडियोस तुम चैनल पे डालने लेते तब तक तुम्हें हक भी नहीं बनता ये बोलने का कि तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे या तुम कुछ वो कर रहे हो। 100 के बाद भी कर रहे हो तो शायद कुछ गलत कर रहे हो तुम। तो पहला एडसेंस कब आया था मेरा, मेरे को याद है September 2020 मेरे को याद आ रहा है। अगस्त में खुला था और सेप्टेम्बर और 2-3 महीने लगता है, मतलब $100 इज द मिनिमम अमाउंट जो तुम वहां से निकाल सकते हो। तो मेरा वो 2 महीने में जाके पूरा होता है। सेप्टेम्बर 2020 वाज प्रोबेबली द फर्स्ट मंथ जब आया था, और मैं तो वैसा हूँ कि वो $100 आती है ऐसे से निकाल लो, 100 होते वाला तो वो उस वक्त 7,000 रुपीज कुछ थे वो, तो वो थी पहली इनकम। ओके, बट हाँ वो 50-60 वीडियोस का प्रोसेस था पूरा उसके पीछे, वो 7,000 रुपए के बीच तो अगर तुम देखो तो कुछ भी नहीं होते। मतलब वो 150 रुपए पर वीडियो बैठता है मोटा मोटा। मेरे को 250 वीडियो के बाद आई थी ब्रो। आपका तो स्ट्रगल रियल है, मतलब मैं तो कहता ही हूँ तब तो, और लेकिन वो पता भी नहीं था, मैं $2 दिन का कमाता था और मैं इतना खुश था ना, बोला भाई $2 आ रहे। इंजीनियरिंग होने के बाद भी $2 बड़ी खुशी मिलती थी। मैं यूं ऐसे YouTube स्टूडियो रिफ्रेश करता था, मैं कहता था सही है यार आज का तो समोसा रेंज हो गया, तो वो वाली थिंकिंग होती थी। फिर इसके बाद आगे जर्नी कैसे शुरू हुई, मतलब क्या क्या चीजें और रेवेन्यू में जनरेट हुई? एक तो एड से तुम कुछ कमा रहे थे, क्लियर है, जो 6 महीने में तूने पहला 7-8 हज़ार रुपये कमाए थे, गॉट मी। उसके बाद और रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से शुरू हुआ? मतलब भैया मैंने वही बोला कि वो डे वन पे कभी गोल नहीं था, बट फिर ऐसा हो गया कि अपॉर्चुनिटी स्टार्टेड प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स। मैं अपने कॉलेज में कुछ कंसल्टिंग वगैरह कर रहा था 180 डिग्रीज के थ्रू, तो उसको वो देख के वो वैसी वाली कंसल्टिंग जो छोटे स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स होते हैं उनको ग्रोथ वगैरह में चाहिए होती है, वो लोग आने लग गए। तो वहां पर तो उन्हें पर आर के हिसाब से बिलिंग कर सकते थे, तो वो एक स्ट्रीम बनी। उसके अलावा हम एक चैनल चला रहे थे अनअकैडमी, एक ब्रांड है उसके लिए, तो अनअकैडमी ऑलराउंडर्स के उसपे, और उसपे मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये था कि हमें पढ़ाई लिखाई की इतनी बात नहीं करनी। वो वाला चैनल मैंने सिर्फ इसलिए उस पर वीडियोस बनाना शुरू किया था क्योंकि उसका गोल था कि जो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ है, मतलब हर जगह हो रहा है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो इसके अलावा भी तो चीजें हैं, लोग ये भी सीख सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं। तो उसके ऊपर था वो क्रिएटिव चीजें, क्या क्या स्टूडेंट अपनी लाइफ में कर सकता है, तो वो वाली चीज मैंने ली थी। तो वहां से हम काफी करते थे,
और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स वगैरह होते थे या लोग होते थे जो अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, जिनको अपना पर्सनल ब्रांड करना था. जैसे मैं लिंक्डइन वगैरह में भी लिखता था, तो वहां पर उनकी हेल्प मैंने करनी शुरू करी. थोड़ा बहुत कंटेंट वगैरह लिखना होता था, बेसिकली घोस्ट राइटिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, जिसपे तुम किसी और के लिए कंटेंट लिख रहे हो और वो अपने पे पोस्ट कर रहा है अकाउंट पे. तो वो वाली चीज भी मैंने एक्सप्लोर करी. और उसके बाद अपने चैनल पे बहुत बाद में, मतलब बहुत ही लेटर स्टेज पे, 2020 में, तो आई डोंट रिमेम्बर, 21 में आई रिमेम्बर स्टार्टेड टेकिंग स्पॉन्सर्स और ये सब. पहले बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि यार ऐसे स्पॉन्सर्स वगैरह आते हैं, बट मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया ऑनेस्टली वो स्पॉन्सर्स वाले पार्ट पे, क्योंकि मेरे को लगता है उससे थोड़ी सी जो ये वाली ये वाइब बनी हुई है ना, एकदम से बीच में आ जाएगा कि अब मैं वो फेना की टिक्की बेचने आ जाऊँ, तो वो बहुत ही गंदी लगती है चीज मेरे को. तो मतलब यही था कि तुम करते रहो यार वैल्यू प्रोवाइड और चीजें बनती चली जाएंगी. तो फर्स्ट ईयर में तो ऐसा हुआ था कि नहीं था, मतलब ऑब्वियसली मैं कुछ कर ही नहीं रहा था. तो फर्स्ट ईयर में मैंने अपनी फीस खुद पे नहीं करी थी. सेकेंड ईयर से मैंने अपनी फीस खुद पे करी थी, बट जो फर्स्ट ईयर की मम्मी पापा ने करी थी वो उनको मैंने विद इंटरेस्ट 12% के हिसाब से वापस करी थी. और जस्ट नॉट फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बट वो अपनी वाली चीज की, यार ये अपनी चीज है और खुद बनाई है. तो फिर मैं खुद, ये मेरा खुद का मन है कि मैं कॉलेज की फीस खुद पे करूं, इसलिए तो वो भी खुश थे, मतलब ठीक है वापस मिल रहे हैं पैसे, किसको बुरे लगते. फिर पापा बोले कि चल ये दूसरों की हेल्प भी कर रहा है लेकिन कुछ पैसे भी आ रहे हैं ये चीज से. हाँ एग्जैक्टली, बट उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था और ना मैंने कभी सोचा था. शायद आपने भी, मतलब भाई की शुरू करते हैं देखी जाएगी वो वाली मंट. एग्जैक्टली, इफ यू कीप द मेंटालिटी ऑफ अर्निंग मनी और व्हाटएवर यू स्टार्ट, इफ यू कीप द मेंटालिटी ऑफ अर्निंग मनी यू वोंट बी एबल टू अर्न मनी. इफ और वो चीज़ तेरे को, क्योंकि इनिशियली पैसे नहीं होते रहे. लोग यूट्यूब शुरू करते हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन शुरू करते हैं, लिंक्डइन शुरू करते हैं, उनको लगता है पैसे कमाएंगे. स्टार्टअप शुरू करते हैं कि चला करोड़पति बनेंगे, तो तू नहीं बनेगा पूरा करोड़पति. ये फैक्ट है. मेन चीज़ है कि चल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जब तू प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना तो अपने आप अपॉर्चुनिटीज सामने खुलती है. ये तो है ही सीन. मतलब इसमें ये वाली चीज भी है कि आज के लिए जो बूम मना हुआ है ना कि फंडिंग उठा लेते हैं, तो मतलब वो सोचते हैं कि यार इसने 5 मिलियन रेस करे हैं, तो मतलब इसके पास 35 करोड़ रुपए कमा लिए इसने. वो कमाई नहीं होती, मतलब वो कंपनी को फंडिंग मिल रही है और ज्यादा ग्रोथ पोस्ट करने के लिए, वो तुम्हारी पर्सनल मनी नहीं है. तो मेरे को लगता है कि वो वाला स्टिग्मा बना हुआ है कॉलेज वाले बच्चों में कि यार ब्रो स्टार्टअप करेंगे और फिर फंडिंग वगैरह उठाएंगे और फिर हम अमीर हो जाएंगे, बट एक्चुअली वो तो कंपनी के पास आ रहा है पैसा उसकी ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए. और उसके साथ वो पैसों के साथ इतना प्रेशर आता है ना ब्रो कि एग्जैक्टली वो नेक्स्ट लेवल आ गया ना तुम्हारे पे, बैठ गया है मतलब. ये एक चीज है जो मैं मानता हूँ, ये चीज जो तुमने कहा. इसी के साथ साथ जो स्पॉन्सरशिप में कैसा रहता है पता है, कि अंदर से फिर जाता रहा कि यार मैं जो वीडियोस बनाना चाहता हूँ वो मैं नहीं बना पा रहा इन सब के चक्कर में. और मेन चीज अपना कैसा रहता है, खैर मेरे को मेरे लोगों को दिल से कनेक्ट करना है, और वो चीज़ मैंने खुद ने भी फेस की. तो यश, अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, समझ रहे हो, वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, जैसे आपने क्या किया, तुमने यूट्यूब शुरू किया, उसी के साथ साथ तुमने कंसल्टेशन शुरू की, उसी के साथ साथ तुमने अनअकैडमी का एक चैनल रन किया था, और उसके बाद कुछ स्पॉन्सरशिप्स आई, और अभी करंटली अगर एग्जाम में मोटा मोटा पूछूँ तो फिलहाल करंटली कौन से रेवेन्यू सोर्सेज है जो अभी आ रहे. मतलब यही होंगे उसके साथ जो मैंने 4 की बात करी. इसके अलावा अफिलिएट वुड बी 1, बट वो बहुत छोटा पार्ट होता है अफिलिएट वाला जो होता है पार्ट, तो वो है. और उसके अलावा अब मतलब मैंने आज तक, मतलब मेरा वो वाला मोटिव था नहीं कि ऐसे मैं बिजनेस करूं यूट्यूब से या मैं कोर्स वगैरह सेलिंग वाले प्रोसेस में, वो सब नहीं था कभी भी. बट अब मैं उस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ कि कैसे मैं जो मैंने मतलब नॉलेज जो भी गार्नर करी है, ये मैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिएटर्स तक पहुँचा सकूँ या उनकी हेल्प कर सकूँ. बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं एक्चुअली ग्रोथ वगैरह में. तो जैसे मैं सोचता हूँ कि यार स्टार्टअप्स में इक्विटी वाली चीज़ होती है, तो इस तरीके से अगर सोचो क्रिएटर्स के अंदर इक्विटी वाली चीज़ आ जाए कि मेरे को दिख रहा है कि सुमेर भैया को दिख रहा है कि यार ये यश एक बडिंग क्रिएटर है, तो इसकी मैं हेल्प करता हूँ और इसके YouTube वाले बिजनेस में से मैं एक चंक ले लूंगा, मतलब और आप मेरे अंदर इन्वेस्ट करो विद द हेल्प ऑफ एडिटर्स या विद द हेल्प ऑफ कंटेंट और विद स्ट्रेटजाइजिंग. तो मैं एक्सप्लोर करने की सोच रहा हूं. कोई सिलिकॉन वैली गर्ल करके एक यूट्यूब चैनल है, उसने कुछ 5 मिलियन या फिर 10-20 मिलियन उसको मिला, उसकी इन फ्यूचर यूट्यूब से जो कमाई होगी ना उसके 10-20% इक्विटी के लिए, मतलब ये वन ऑफ द अच्छा ये हो रहा है ऑलरेडी, मेरे को पता नहीं था. तो ये चीज तू कर सकता है और मतलब सच में ग्रो करेगी चीज है. तो अगर यार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बंदे को अगर तेरे को एडवाइस देनी रहेगी कि कैसे वो लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, माइंडसेट क्या होना चाहिए,
और वही कि अगर फर्स्ट, क्योंकि ना वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं लोग, ये लोग को क्या लगता है पता है कि यार मैं मेरी एकेडमिक्स नहीं हैंडल कर पा रहा मोटी मोटी चीज़ का, अबे ये तो एकेडमिक्स मैं एक्स्ट्रा खुद को ट्रेन कैसे करूँ, मैं पैसे कैसे कमाऊँ, और वो जो चीज़ है कि हाउ ही कैन बी फाइनेंशियली फ्री। अगर यश एडवाइस दे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बंदा है यश है जिसको खुद कुछ नहीं पता, और अभी फ्यूचर का यश उसको जाके बता रहा है कि देख ब्रो, तो क्या होगा? समझ गया, ठीक है। तो इस पे मेरा यही टेक है कि पहली चीज, यू नेवर नो व्हाट द राइट चॉइस विल बी, मतलब जब तक वो चीज तुम एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। मतलब 2 साल पहले मेरे को नहीं पता था कि मैं जिसकी वीडियो देखता था फोन में उसके साथ बैठा हूंगा जूम कॉल पे। बहुत छोटी सी बात है मतलब ये, ठीक है। तो वो वाली चीज है कि वो तो तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम जो चॉइस लोगे वेयर यू विल एंड अप बाय टेकिंग दैट चॉइस, ठीक है। तो वो वाला जो स्टिग्मा है कि मैं क्या करूं, ये मैंने भी देखा है बहुत ज्यादा होता है कि भैया मैं कंफ्यूज हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, ये भी करना चाहता हूं, ये भी करना चाहता हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मेरा पॉइंट है कि वो तो तेरे को एक लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ेगी ना भाई कि तू इस चीज में कूद गया, उसके बाद ही तो मतलब तेरे को पता चलेगा अंदर गड्ढा कितना गहरा है। तो पहली चीज तो वो वाली है, और दूसरी चीज इस पे मैं यही बोलूंगा कि एक ना बहुत स्ट्रांग हमें स्किल कल्टीवेट करना पड़ेगा, और एक नहीं मल्टीपल स्किल्स को जब हम कल्टीवेट करके उन्हें अमलगमेट कर देते हैं। मतलब अगर तुम्हें सिर्फ कंटेंट राइटिंग आती है तो तुम उतने पावरफुल नहीं हो, तुम्हें सिर्फ ग्राफिक्स आते हैं तो उतने पावरफुल नहीं हो, तुम सिर्फ वीडियो एडिटिंग करते हो तो नहीं हो, तीनों को मिला दो और तुम यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू कर दो, इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी शुरू कर दो, तो वहां पर असली मतलब फाइनेंशियल हमारे जो भी पर्सपेक्टिव है वो वाली चीज हमें जो ग्रोथ होती है वो मिल रही होती है। एक चीज में मतलब थोड़ा सा प्लैटो आ जाएगा, बट 3-4 चीजों को मिला दो तो वहां से मतलब रियल ग्रोथ आ रही होती है, ये वाली चीज है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि फर्स्ट ईयर तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपने स्किल्स कल्टीवेट करने में, या अपने कनेक्शंस बहुत सारे कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स ही इतने अच्छे कर लो कि तुम जहाँ खड़े हो मतलब वहीं पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। मतलब मैं इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि यार कोई भी मेरे से पूछता है कि मैं तेरे को आज स्टेज पे खड़ा कर दूं, तेरे आगे 100 लोगों की भीड़ है, क्या तू उन्हें एड्रेस कर सकता है या उनसे बातचीत कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो अभी कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अगर वो आ जाती है, अगर यू आर ओके इन हैंडलिंग लार्ज क्राउड्स, तो वहां से मतलब तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि तुम्हें बात करनी आ गई, तुम्हें आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, तो वहां से चीजें निकलने लग जाती है। हम लोग, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो आपका ऑब्वियसली टॉप नॉच होगा वो वाली चीज, बट अगर हम आप अपनी जनरल क्लास के बच्चों को देखो या मैं अपनी जनरल क्लास के बच्चों को देखूँ तो वो नहीं कर पाते बात उतने अच्छे से। मतलब वो अटकते हैं, वो फंबल कर जाएंगे, उन्हें नहीं पता होता, कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही होती है, वो फोकस ही नहीं करते कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उनको लगता है कि ये स्किल जरूरी नहीं है, ये थोड़ी काम की है। पर ब्रो मैंने तो देखा है कॉर्पोरेट में 60% ग्रोथ तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, 40% तेरी टेक्निकल पे। ब्रो अगर तेरे को बोलना आता है तो बोलने वाला के बाकड़े भी बिक जाते हैं, मारवाड़ी में एक डायलॉग है कि लोगों को लगता है कि हाँ इंजीनियरिंग में तो ये बहुत डेड है। पता है इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स तो है नहीं, वो लोग सिर्फ अपने 3 दोस्त रखते हैं, अगले 4 साल तक वो 3 दोस्त से बात करेंगे और वो 3 दोस्त के खुद के कम्युनिकेशन स्किल डेड है और वो लोग जानते ही नहीं किसी को। पर इतना ज़्यादा नेटवर्किंग ज़रूरत है कि अगर मैं इंजीनियरिंग में हूँ तो सिर्फ मैं कॉम्स का हूँ ना, तो मैकेनिकल का कौन है, सिविल का कौन है, मेरी पहचान तो होनी चाहिए ना बंदों से। ये खुद मैं कुछ बोलता हूँ भाई, ये स्किल भी तुम लोग को आ गई ना तो तुम फिर लिंक्डइन पे भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, कोल्ड ईमेल से लोगों को कनेक्ट हो सकते हो। तुम्हें भले ही कुछ काम ना हो पर तुम्हारे दोस्त ऐसा कि दुनिया में मेरे दोस्त हैं, समझ रहे क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी मैं यश बोलूँ ना, मेरे को कुछ भी नहीं आता। अगर इन जनरल मेरे को ना लोगों से बात करनी आती है ब्रो, मेरे को सिर्फ बकचोदी आती है, जिसको मैं बकचोदी कहता हूँ कि भाई मेरे को बात करनी आती है लोगों की। वही स्किल को मैंने यूज़ किया वीडियोस बनाने में, एक्सप्लेन करने में, मैं खुद के अगर रैप सॉन्ग्स भी लिख रहा हूँ, गाने लिख रहा हूँ, हर चीज़ में मेरे को सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग आती है और लोगों से बात करनी आती है, और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। मेरे को कोई कोडिंग भी आज भी नहीं आती पर फिर भी मैं चला लिया मेरा लाइफ। तो एक ये स्किल तो है जो सबसे ज़्यादा फोकस करनी पड़ती है, और मेरे को बहुत सही लगा जो तूने ये वाली चीज़ एड्रेस की कि अपना नेटवर्क बढ़ाओ, खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ ताकि तुम 100 लोगों को एड्रेस कर सको। उसके बाद और कौन सी चीज़ों पर उनको फोकस करना चाहिए? मतलब इसमें मैं ये बोलूंगा कि एक चीज होती है कि इसको वाली वर्ल्ड में मेरे को परसों ही पता चली, इसको बोलते हैं टोमा, TOMA स्कोर। बेसिकली होता है कि टॉप ऑफ द माइंड, जो हम देखते हैं ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज है IPL में एडवर्टाइज करती हैं, तो हम सोचते हैं यार क्या क्या फायदा है यार, जर्सी पे इन्होंने नाम छपा दिया या ऐड कर रहे हैं, 100-200 करोड़ दे रहे हैं। तो उसका बेसिक मोटिव होता है कि तुम्हें अपना टोमा स्कोर इंप्रूव करना होता है कि टॉप ऑफ द माइंड, कि अगर सुमेर भैया सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, अगर वो ग्रोसरी के बारे में सोच रहे हैं तो उनके मन में ग्रोफर्स आ रहा है, मतलब उनके टॉप ऑफ द माइंड में क्या चीज चल रही है। अगर वो एजुकेशन की सोच रहे हैं तो उनके मन में बायजूस आ रहा है या अन अकेडमी आ रहा है या वेदांतु आ रहा है, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज होती है।
तो मेरे को लगता है कि अगर तुम अपना टोमा स्कोर इम्प्रूव कर लो बेसिकली, कि अगर मेरे को कॉलेज की पढ़ाई करनी है तो मेरे को लास्ट मोमेंट ट्यूशन ध्यान आ रहा है, या किसी को अपना फ्रीलांस का काम करवाना है तो मेरे को ये वाला नाम याद आ रहा है, ठीक है, जैसे मेरा दोस्त है ईशान, वो काफी ज्यादा बनाता है फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग का कोई भी सोचता है तो ईशान शर्मा का ही नाम आता है, उसने उस लेवल का कंटेंट बनाया है, तो उसका वो जो टोमा स्कोर है ना वो बहुत अच्छा है। तो मतलब मैं वही बोलूंगा कि जब वो वाली चीज आ जाती है ना कि कोई किसी डोमेन के बारे में सोच रहा हो तुम्हारा नाम याद आ रहा है, तो वहां पर मतलब तुम्हारी ये कोशिश होनी चाहिए किसी तरीके से तुम अपना ये वाला स्कोर इम्प्रूव करो लोकल लेवल पे, नहीं यार कॉलेज में पोस्टर बनवाना है तो फिर यार हम इससे हरीश को बुला लेंगे, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। एक जब तुम वो चीज नेशनल लेवल पे करोगे तो वहां पर तुम अपने प्राइजेस खुद कमांड कर सकते हो, यार मैं इतने में काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है, अगर तुम इतना दे सकते हो तो मैं करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो वहां पर तुम्हें अपॉर्चुनिटीज के लिए हंट नहीं करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा टोमा स्कोर अच्छा अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो यू आर द वन हु विल बी रिजेक्टिंग दोज अपॉर्चुनिटीज, तो वो वाली मतलब फेज पे होना चाहिए ये वाली चीज होगी। ये भी सही था मैन, दैट्स अमेजिंग। मेरे को एक और चीज़ इस पर अगर मैं एड्रेस करूँगा तो कि लोग पता लेकिन शुरुआत में जो होता है ना कि शुरुआत में उनको ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है तो वो लोग अप्रोच नहीं कर पाते रहे तो कि कहाँ पे मैं काम करूँ क्या करूँ, तो वो किस तरह से करना है। मुझे लगता है लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अप्रोच एनी वन फॉर एनी वर्क, तो उसको कैसे तू गाइड करना चाहेगा तो कि फॉर अप्रोचिंग पीपल ऑन फॉर फ्रीलांसिंग फॉर इंटर्नशिप, तो वो किस तरह से की जानी चाहिए तेरे को क्या लगता है? मतलब इसमें मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं ऐसे ईमेल्स, आपके पास भी आते होंगे, और उसमें वो ये लिखते हैं कि भैया मेरे को कुछ आता तो नहीं है बट मैं सीखने को तैयार हूँ जो आप सिखाओगे मैं सीख लूंगा और मैं कर लूंगा। और मतलब मेरा पॉइंट ये होता है और बहुत हम्बली ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर तू किसी को अगर कोई किसी को ईमेल डाल रहा है तो तुमने उसको ऑलरेडी एक ऊपर वाला पावर डायनेमिक दे दिया, तो उसके पास तो शायद टाइम नहीं है ना कि यार वो तेरी लर्निंग में कंट्रीब्यूट करे। हाँ अगर तेरे को चीज आती है तो ही विल बी हैप्पी टू सपोर्ट यू, ही विल बी हैप्पी टू कोलैबोरेट, ही विल बी हैप्पी टू पे यू एज वेल, बट नोबडी पेज यू फॉर यू टू लर्न स्टफ अंडर देम। ये वाली चीज है, मतलब जब तुम इंटर्नशिप के लिए भी जाते हो तो ठीक है वहां पर काम सिखा रहे हैं बट उससे पहले तुम्हारे 6 राउंड हुए ना जहाँ पे कि बंदा टिकेगा भी या नहीं, तुमसे कोडिंग भी करवा के देख ली, तुम्हारा बिहेवियर भी जान लिया, सब कुछ जान लिया दुनिया भर का तुम्हारे बारे में, एक तुम्हें मतलब इंटर्नशिप देने के लिए 10,000 के स्टाइपेंड की या 5,000 के स्टाइपेंड की, तो वो क्यों होता है मतलब कि इस बंदे में दम भी है वो वाला कि मतलब ये झेल भी पाएगा या नहीं। तो मैं तो इसमें यही बोलता हूँ कि कोई भी मतलब अपनी अपनी मनी लगा के तुम्हें सिखाता नहीं है, तो उससे पहले अपना स्किल ही इतना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेट कर लो। अब जैसे मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो मेरे जितना ही है, बहुत अच्छे थंबनेल बनाता है, मतलब वो रणवीर का रणवीर अलाहाबादिया के लिए बियर बाइसेप्स वगैरह के लिए वो बनाते हैं। हाँ, मैंने भी उसको जाना है, वो प्रखर के लिए भी बनाता है। आर्यन अनुराग नाम है। हाँ, तो वो बहुत अच्छे बनाता है, तो उसको मैंने खुद सामने से बात करने के लिए अप्रोच किया था कि यार चल एक बार बैठते हैं, मतलब ऐसे ही मतलब उसकी लाइफ की जर्नी वगैरह जानने के लिए। अभी भी मैं खुद ही बनाता हूँ थंबनेल्स तो अपने, बट वो वाली जब फेज में आओगे ना तो आएगी, बट उसके लिए उसने अपना स्किल बहुत अच्छा कल्टीवेट कर लिया और उसके बाद उसके पास इनबाउंड लीड्स आने लग गई, उसको आगे जाके बोलना नहीं पड़ा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अप्रोच करने वाला फेज तुम्हारा जब शुरू होना चाहिए जब तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मेरे को ये काम बोला जाएगा तो मैं कर लूंगा, जब तुम्हारा 10 पेज का पोर्टफोलियो है जिसमें तुम दिखा सकते हो कि मैंने ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। 1 साल दे दो उस चीज को, उसके बाद मतलब इन चीजों चाहे थोड़ा काम तुम्हें फ्री में भी करना पड़े तो वो भी करेगा तो चलेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं तेको कहना चाहता हूँ जो बहुत मिसिंग है लोगों में, मतलब मैंने जो देखा है वो है कि उन्हें यश भाई वो सब तो ठीक है, मेरे को कोई शॉर्टकट ट्रिक्स बताओ ना कि मेरे को अमीर होना है, मेरे को पैसे कमाने हैं और मेरे को 1 महीने में मतलब क्या मैं 1,00,000 रुपये कमा सकता हूँ क्या, तो वो वाला जो माइंडसेट है कि अभी जो भाई देख मेहनत नहीं करनी इनको, टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा इनको मेहनत करनी नहीं, मतलब करना भी चाहते हैं तो गाइडेड नहीं है, पर इनके दिमाग में जो डाल दिया है ना कब ऐसे कामयाब होते ऐसे पैसा कमाते ऐसा, तो वो हार्ड वर्किंग स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे गाइड करना चाहता हूँ और तेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहता हूँ, तूने भी बहुत लोगों को देखा रहेगा कि एक तो बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूज होना नहीं है, तुम्हें उतर जाना चीज़ में और उतरने के बाद भी तुम्हें डायरेक्ट सक्सेस नहीं मिलेगी, डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि 11 बज गए 12 बज गए कभी कभी 1 बज गया और तुम करे जा रहे हो उस चीज़ को, फिर वो फल पकता है, क्या बोलते है? तो तूने भी काफ़ी ऐसा देखा है क्या, लोग क्विक सक्सेस और क्विक ट्रिक जानना चाहते तेरे से कि यश भाई बता दो मेरे को कि मैं फटक से कामयाब कैसे हो, इस पर तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है?
मैं कैरी मिनाटी का एक इंटरव्यू सुन रहा था और उसपे किसी ने उससे ये पूछा था कि कैरी भाई ये बताओ कि वायरल वीडियो कैसे बनाते हैं। तो कैरी ने उसपे बोला कि भाई मेरे को पता होता तो आज तक की मेरी सारी वीडियोस वायरल होती, मेरे को आज तक नहीं पता उस चीज का फॉर्मूला। तो वही है, और कल मैं यही चीज पढ़ रहा था लिंक्डइन पे कि एक बंदा अपनी क्लास ले रहा था, अमन भैया के पढ़ाते थे पहले, तो वो क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे, और किसी ने चैट पे क्वेश्चन आया कि डज मनी मैटर इन लाइफ। तो वो कह रहा कि मैं आंसर देने लगा अपना, उससे पहले दूसरा बच्चा लिख रहा है कि कम टू दुबई हबीबी वाली एक रील है ना, कि मतलब पीपल से मनी डोंट मैटर कम टू दुबई, और वहां पे ऐसे लग्जरी लाइफ दिखाई जाती है। तो वो उस टीचर ने ये लिखा था कि मैं इस पे एक सीरियस ओपिनियन देने वाला था जो भी मेरी लर्निंग है डज मनी मैटर, बट उस वाले मैसेज को देख के मेरे को ये लगा कि यार हमारी जनरेशन जा कहाँ रही है, मतलब इनको यही है कि इन्हें क्विक फिक्सेस चाहिए, एकदम गेट रिच क्विक वाली स्कीम्स चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता, मतलब लोग मेहनत करके भी फेल हो जाते हैं। मेरे को इस पॉइंट तक भी नहीं पता कि आज ये सब चीज है, 2 साल बाद क्या होगा, मैं और कहाँ हूँगा। तो वो वाला मेरे हिसाब से कभी भी कम्प्लेसेंसी तो तुम्हारे अंदर किक इन नहीं करनी चाहिए कि अब सुमेर भैया सोचे कि यार अरे बना लिया, अब तो ऐश मारूंगा, घूमूंगा 10-15 कंट्री स्टाइल की, पासपोर्ट ठप्पे पे ठप्पे पड़वाऊंगा। अगर वो वाली तुम्हारी इंटेंशन हो जाएगी तो नहीं हो सकती चीजें। तो मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ भी जो भी बड़ी चीज बनती है लाइफ में उसके लिए आइट्रेशन चाहिए होती है बहुत सारी। जैसे कोडिंग में हम लूप पढ़ते हैं ना कि आइट्रेशन हो रही है बार बार, आई को 1 से 100 तक चलाया तो 100 बार आइट्रेट कर रहे हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द मनी परस्पेक्टिव, बिग मनी इज टू बी मेड व्हेन देयर आर कॉन्स्टेंट आइट्रेशन ऑफ समथिंग। अगर कोई बंदा रोज रोज पढ़ा रहा है, बैठ रहा है क्लास में 2 घंटे पढ़ रहा है, या वो कोचिंग कर रहा है, तो रोज हम वहाँ पर टाइम देते थे अपने जेई की कोचिंग को, या अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो रोज टाइम दे रहा है, तो वहां से मतलब इवेंचुअल सक्सेस तुम्हें हासिल होती है कि तुम आइट्रेट कर रहे हो रोज का प्रोसेस। तुम्हारा मोनोटोनिटी से ही कभी कभी मतलब सक्सेस हासिल होती है। स्टार्टअप्स 8-10 साल तक मतलब फंड रेज करते हैं, मेहनत करते हैं, रोज आइट्रेट करे जा रहे हैं, फाउंडर सैलरी भी नहीं उठा रहे, और फिर 10 साल बाद उनका आईपीओ हो रहा है, और लोगों को लगता है ये तो अचानक करोड़पति हो गया, और यहाँ पे लोगों को लगता है ये तो इतना करोड़पति बन गया। उसके लिए वो प्रोसेस है। तो जो भी स्टूडेंट्स है ना, मैं उनको एक बेसिक सा गाइड करना चाहता हूँ कि तुम लोग को क्या लगा रहेगा कि अभी एक बात बताएगा और कल से मेरे को 1 रुपए 1000 रुपए 10000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे, तो वो चीज नहीं है। तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स करते रहने लाइफ में। तुम सोच रहे हो कि जो मैं नॉर्मल पाथ ले रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओनली कॉलेज एजुकेशन इज नॉट इनफ, समझ रहे? अपने को कोई नहीं बताया था, हम लोग को लगा था कि इंजीनियरिंग निकल गया तो फिर तो क्या जॉब तो अपने कदम चूमेगी, क्या ले भाई तो 10 लाख का पैकेज क्यों नहीं ले रहा। पर ऐसा नहीं होने वाला। तुम लोग अगर जॉब भी जाना चाहते हो या फिर साइड में भी हसल करना चाहते हो, तो जैसे यश वाले लोग है, ये लोग अभी यश कल जाके फाइनल ईयर से निकलेगा ना, तो इसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को नौकरी लेनी है कि नहीं लेनी। इसके पास एक अमाउंट ऑफ स्किल्स इसने डेवलप की हुई है, और बेसिक सा पॉइंटर है, नहीं है केटी है, ड्रॉप है, यश निकल नहीं जानता है कि मेरे को क्या करना है। तो ये लोग आराम से एक अच्छा खासा पैकेज उठा सकते हैं, खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। पर अगर अपने को सिर्फ अपन कॉलेज एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, हाँ ठीक है मैं अपनी सिर्फ एकेडमिक्स में 10 पॉइंटर ला लूंगा और मैं बाहर निकलूंगा, तो नहीं होने वाला। उसमें भी अगर लोगों को पॉइंटर स्कोर, तो ठीक है तुम उसको 7 पॉइंटर तक भी रखोगे तो चलेगा, पर अपनी पूरी जो बाकी टाइम है उनको स्किल्स डेवलप करने में जाओ। पहला साल अगर तुम्हारा स्किल्स डेवलप करने में जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, सेकेंड साल से तो उसको सम अप करो। तो या फिर मैं कहूंगा यश भाई इसको तू सम अप कर दे, वो सही रहेगा कि ये पूरा कि हाउ टू बी फाइनेंशियली फ्री, पे योर ओन फीस का फंडा क्या। मैं बस सिंपल सी बात ये बोलूंगा 1 मिनट में कि जो भी तुम स्किल कल्टीवेट कर रहे हो ना, गद्दा होता है ना जिसपे हम सोते हैं, तो ये समझ लो कि तुम एक 10 फ्लोर की मंजिल पे खड़े हो और तुम्हें यहाँ से छलांग मारनी है, ठीक है, वो कभी भी तुम्हें धक्का मिल सकता है पीछे से, और नीचे जमीन पर तुम्हारे गद्दा लगा हुआ है। जितने ज्यादा स्किल्स तुम कल्टीवेट कर रहे हो वो गद्दा उतना मोटा होता जा रहा है, उस पे लेयर ऐड होती जा रही है। तो अगर तुम्हें कोई धक्का दे भी रहा है तो उतना कम चांसेस है तुम्हारी हड्डियां टूटने के जितना मोटा मतलब तुम्हारा वो वाला गद्दा है। तो वो वाली चीज है कि जो भी तुम स्किल्स कल्टीवेट कर रहे हो अपनी कॉलेज लाइफ में या इन जनरल, तो उससे यू आर डूइंग इट टू थिकन द मैट्रेस, सही वाला मैट्रेस है कि अगर मेरे को आज की डेट में धक्का दे दिया जाए, मेरी नौकरी छिन जाए या कोविड जैसा क्राइसिस आ जाए कुछ भी, तो भी मैं अपना काम तो चला ही लूंगा, अपनी फैमिली का काम तो चला ही लूंगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाइंड अ स्किल, फाइंड मल्टीपल स्किल्स, हर जगह कूद जाओ, जहां पर ध्यान लगे उस स्किल को आगे तक कल्टिवेट करो, और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अपने आप इनबाउंड जब आने लग जाएं, जब तुम्हारा वो टोमा स्कोर की हमने बात करी कि लोगों के माइंड में पहला नाम तुम्हारा आ रहा है,
तो उस वक्त मतलब वो जो पेइंग योर ओन कॉलेज फीस इजी हो जाएगा, मतलब तुम अपने भाई बहन सबकी कर दोगे कॉलेज फीस पे, तो ये मेरी मैं ओपिनियन रहेगी, बट गद्दे को मोटा करने पे काम करो ये बोलूंगा मैं तो। अब मैं इसको एक मेरी तरफ से भी थोड़ा सम अप कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो बिना मेहनत करके नहीं होने वाला, तो जो तुम्हें क्विक सिक्स बता रहा है वो खुद पैसे कमाने वाला है, तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, तो ये पहले जो भी तुम्हें बताता है कि मैं क्विकली तुम्हें अमीर बना दूंगा, तो वहाँ पे कभी फंसो मत, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्किल्स पे काम करो, जितना हो सके उतनी मेहनत करो स्किल्स पे। थर्ड चीज़ है कि खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें आता बहुत कुछ है लेकिन तुम्हें कम्युनिकेट करना नहीं आता कि मेरे को ये चीज़ें आती है, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है। अपने कनेक्शंस बिल्ड करो, लोगों से बात करना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किल्स। उसके बाद जब आप लोगों को अप्रोच करोगे, क्योंकि शुरुआत में कोई नहीं आ रहा भाई तेरे को बोलने के लिए काम कर, आप लोगों को अप्रोच करोगे, कुछ लोग मना कर देंगे कि नहीं करना तेरे साथ काम, तो उस रिजेक्शन को नॉर्मल लो। यश को भी कितने लोगों ने मना कर दिया रहेगा भाई, हुआ रहेगा नहीं यश, कह रहे नहीं मैं पॉडकास्ट बहुत नहीं कर ज्यादा सकता, हुआ है। और वो शुरुआत में इतना बुरा लगता है ना कि अरे शिट मना कैसे कर दिया यार, तो वो बहुत नॉर्मल है। एक बार तुम धीरे धीरे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे ना, जो बंदा हार नहीं मानता ना वो जीत जाता है, समझ रहे क्या? उसके बाद तुम्हें इनबाउंड लीड्स भी आने लगेगी कि अरे काम करोगे क्या मेरे लिए, तो इस तरह से तुम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और ये एक बेसिक सी जर्नी थी, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। मैंने यश की सारे वीडियोस की लिंक और मतलब इसके यूट्यूब चैनल की लिंक, इसके इंस्टाग्राम की लिंक और लिंक्डइन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैं कसम से कहता हूँ कि इसको इंस्टाग्राम के साथ मतलब यश को लिंक्डइन पे भी फॉलो करो, बंदा बहुत एक्टिव है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसका कंटेंट, मैं खुद कंज्यूम करता हूँ। तो यूट्यूब पे तो तुम्हें माहौल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिंक्डइन पे भी बहुत वर्थ मिलेगा। हम एक दिन एक और बार पॉडकास्ट करेंगे, हाउ टू ग्रो ऑन लिंक्डइन विद यश, क्या बोलते डन हैं? डन डन, बिल्कुल पक्का पक्का। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग दिस। डू सब्सक्राइब बोथ ऑफ अस चैनल, एंड ऐसे और तुम्हें पॉडकास्ट चाहिए तो हमें बताओ कि तुम्हें कौन से टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए और नेक्स्ट गेस्ट अपने कौन से होने चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके।